एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्निकल ग्रो यूट्यूब चैनल। सो गाइज, यू कैन सी BEML की जो अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी, तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एंड यू ऑल नो BEML इज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, एज यू कैन सी। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज दिस, इट इज अ PSU दैट डील्स विद द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, एरोस्पेस, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, रेल एंड मेट्रो अक्रॉस इंडिया। ठीक है, तो ये एक PSU है। एंड लेट मी टेल यू, यहाँ पे वैकेंसीज अनाउंस हुई है फॉर द मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए, टेक्निकल वैकेंसीज है। ओके, अब मैनेजमेंट ट्रेनी है, इट डजेंट मीन दैट ऑलवेज विल बी थ्रू गेट, तो ये विदाउट गेट है। एंड यहाँ पे फ्रेशर्स एलिजिबल हो। ओके, सो चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। सो यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेस आर देयर, प्रोवाइडेड दैट यू मस्ट हैव एन, आपका जो BTech है 70% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए और एवरेज इन योर फाइनल ईयर डिग्री के साथ। ओके, और इसका पे स्केल है इक्विवेलेंट टू E1 ग्रेड, दैट इज 40,000 to 1,40,000। ओके, वैकेंसीज आप देख सकते हो, मैकेनिकल में 13 सीटें देर, इलेक्ट्रिकल में 3, इलेक्ट्रॉनिक्स में 4। अब ब्रांचेस वाइज डिवीजन नहीं दिया गया कैटेगरी वाइज, बट दे हैव डिवाइडेड टोटल सीट ऑन द बेसिस ऑफ जो भी इनके टोटल पोस्ट है। ओके, 20 वैकेंसीज को उन्होंने डिवाइड किया कैटेगरी वाइज, यू कैन सी। एंड जो इसका एज लिमिट, दैट इज 27 ईयर्स फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। एंड इफ यू आर हैविंग कैटेगरी, सो आप उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हो। लाइक फॉर SC ST इट विल बी 5 ईयर्स, एंड फॉर OBC इट विल बी फॉर श्योर 3 ईयर्स। एज यू कैन सी यहाँ पे SC ST के लिए 32 ईयर्स तक आप हो तो आप एलिजिबल हो, एंड फॉर OBC 30 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो इफ यू आर। ओके, सो दिस इज द थिंग। एंड ऑल्सो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ, तो इट विल बी रिटन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। सो विदाउट गेट भी अपॉर्चुनिटीज आते रहते हैं, एंड ऑल्सो दिस ईयर गेट 23 के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे PSUs आ रहे हैं। सो आप अपना गेट का भी अच्छे से फोकस करो। ओके, अच्छा अपॉर्चुनिटी है इफ यू विल गेट सेलेक्टेड थ्रू गेट। तो सो मेनी PSUs हैव अनाउंस्ड दैट दे विल रिक्रूट थ्रू गेट 23 के अकॉर्डिंग। ओके, एंड यहाँ पे ट्रेनिंग होगा आपका 1 ईयर, यू कैन सी यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल अंडरगो ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ये हर जगह का प्रोसेस होता है दैट फॉर 1 ईयर दे विल प्रोवाइड यू प्रॉपर ट्रेनिंग दैट वॉट यू आर गोइंग टू डू, एंड आफ्टर दैट दे विल अब्सॉर्ब यू अंडर ऑफिसर ग्रेड। यू कैन सी ऑफिसर ग्रेड का आपका फिर वो पे स्केल हो जाएगा। ओके, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग यहाँ पे मैंशन है दैट यू विल हैव टू सर्व दिस कंपनी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। ओके, अगर आप उससे पहले लीव करना चाहते हो तो यू जस्ट हैव टू पे द बॉन्ड ऑफ 2 लाख रुपीज, यहाँ पे मैंशन है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं, और इसका लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलिंग का, दैट इज 6th of November। एंड एज लिमिट और जो भी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, दैट कट ऑफ जो डेट है वो है 6th November तक ही ली गई है। तो यहाँ तक सब कुछ आपका कैलकुलेट होगा, दैट योर क्वालिफिकेशन, योर एक्सपीरियंस, योर एज एंड एवरीथिंग। ओके, एंड OBC सर्टिफिकेट्स यू हैव टू प्रोड्यूस इन द केस ऑफ यूर OBC नॉन क्रीमी लेयर। ओके, एंड दिस इज द थिंग, एंड दिस वॉज ऑल अबाउट। एंड कमिंग टू एप्लीकेशन फीस, यू कैन सी 500 फीस विल बी देयर फॉर अनरिजर्व्ड EWS OBC एंड SC ST PWD के कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है यहाँ पे, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भी है, एंड इसका जो PDF है, आई विल जस्ट शेयर दिस इन माई टेलीग्राम चैनल, यू कैन गो देयर एंड जस्ट डाउनलोड इट। ओके, एंड इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी, तो आप इनको यहाँ पे जाके मेल और कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, लाइक इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी रिगार्डिंग योर एप्लीकेशन और एनीथिंग एल्स वॉट एवर। सो और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सो यू जस्ट हैव टू अपलोड इन योर एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी सारी ये मैंडेटरी चीज़ें हैं। So yeah, this was the all about today update. And if you want any kind of technical job updates, then you can subscribe Technical Pro. Thank you guys. Thanks for watching.